अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेले में जो हमारे घर के करीब में ही लगा था। जाना नहीं था मेले में, लेकिन अचानक मार्केट गए तो मुझे वहाँ पर मेला दिख गया, तो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए चले गई अंदर। लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर बोले, चलो आए हैं तो थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं, झूले में बैठते हैं। तो हम लोग ये वाले झूले में बैठने जा रहे थे। बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और मेले का शायद ख़त्म होने का टाइमिंग हो गया था। 8-10 दिन के लिए ही लगा था दिवाली के टाइम, लेकिन जिस दिन 2-3 दिन बच गए थे शायद, उस दिन हम लोग गए तो ये वाले झूले में हम लोग बैठ गए थे। ज़्यादा स्टॉल तो नहीं लगे हुए थे, बहुत कम स्टॉल थे, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए, थोड़ा सा ही मैंने ऊपर से शूट किया है। ये देखिए नीचे का कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पर। और वीडियो को म्यूट करना पड़ा मुझे, क्योंकि वहाँ पर बहुत डीजे बज रहा था बहुत ज़ोर से। 2-3 बार मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद में फिर मैंने बंद कर दी, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता अगर मैं म्यूज़िक के साथ डालती तो। ये देखिए, जो ऊपर वाला राइड था उसमें बैठे थे हम लोग, और ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, दो तीन लोग ही बैठे थे। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो हम लोग दोनों ही बैठे हैं इसमें। और 2 दिन हम लोग कंटिन्यू गए, और दूसरे दिन भी गए थे। मैंने घर जाके बोला मेरी बेटी को कि हम लोग मेले में घूम के आए, तो उसको भी जाना था, इसलिए हम लोग 2 दिन कंटिन्यू मेले में एंजॉय किए। खाने के स्टॉल नहीं थे, खाने के स्टॉल बहुत कम थे यहाँ पर। तो हो गया, ज़्यादा देर भी राइड किया नहीं है, 10 मिनट ही घुमाया था, ज़्यादा नहीं घुमाया था उसने। और हम लोग आ गए नीचे, थोड़े कुछ गेम के भी स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पर, क्योंकि छोटी सी जगह में लगा था, ज़्यादा बड़ा लगा नहीं था, छोटी सी जगह में ही लगा हुआ है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया, आवाज़ म्यूट करनी पड़ी मुझे, म्यूज़िक बहुत ज़ोर से चल रहा था इसलिए। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से गेम लगे हैं, गेम के स्टॉल। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा था, और हर स्टॉल का किसका 100 रुपीज़ था, किसका 50 रुपीज़ था। तो ये वाला स्टॉल है, ज़्यादातर तो लोग गेम जीतते नहीं है, बहुत कम लोग जीतते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सब लगा हुआ था, तो ये हम लोग ने नहीं खेले। मेरे हस्बैंड को खेलना था बॉल वाला, तो ये देखिए फुटबॉल से कुछ ग्लास को मारना था, और उसके बदले में टेडी बेयर मिलने वाले थे। ये देखिए जो टेडी बेयर साइड में लगे हुए हैं, और ये भी 50 रुपीज़ का था। छोटी सी जगह में था इसलिए बड़े बड़े जो गेम थे वो नहीं लगे हुए थे, 3 या 4 ही गेम के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड को खेलना था बॉल वाला, फुटबॉल से जो ग्लास को पुश करना है वो गेम, लेकिन मैं मना कर रही थी क्योंकि बॉल में बिल्कुल भी हवा नहीं थी। तो बॉल में जब हवा नहीं थी तो कैसे लगेगा इसके लिए, लेकिन फिर भी वो बोले चलो ट्राई करते हैं। 50 रुपीज़ का 2 राउंड था शायद, हाँ 2 बार मारना था बॉल से। तो खेल के देखते चलो क्या होता है। और ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि गेम के लिए, सब लोगों को पता ही है कि गेम में ज़्यादातर चीटिंग करते हैं स्टॉल वाले, और चीटिंग नहीं करेंगे तो कैसे इन लोग का भी पेट भरेगा ना, क्योंकि जो जगह इन लोग यहाँ पर लगाते हैं शॉप, तो रेंट देना पड़ता है इन लोगों को, फ्री में तो नहीं होता है। और पब्लिक आके थोड़ा सा खेलेंगी तो थोड़ा कुछ इनको पैसा मिलेगा, नहीं तो स्टॉल लगाने का भी चार्ज लगता है इनको। तो ये देखिए अभी खेलेंगे मेरे हस्बैंड, और पहली बार में देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये 5 ग्लास आई थिंक लगे हुए हैं। ओह, एक ही ग्लास गिरा और कुछ लगा ही नहीं। अब सेकंड बारी, फिर से देखते हैं ट्राई मार के। तो
तो कुछ बच्चे भी आ गए थे, वो लोग भी खेलने जा रहे थे। ये बॉल का गेम तो देखिए, दूसरा भी लगाई थी। और जो भैया थे वो बोल रहे थे कि पूरे ग्लास गिरना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बॉल में बिल्कुल हवा नहीं है। इसके लिए भैया को मैं बोली, भैया चीटिंग कर रहे हो भैया तुम, हवा नहीं है बॉल के अंदर, और बिना बॉल में हवा नहीं रहेगी तो वो जंप कैसे करेगा बिल्कुल भी। भैया बता रहे थे कि इतना सारे मेरे पास टेडी बेयर थे, वो सब तो लोगों ने लेके गए, इतने सारे लोग जीते हैं, भैया ऐसा बता रहे थे। लेकिन जो टेडी बेयर थे इतने गंदे हो चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे आए, तो मैं बच्चों को भी बोल रही थी कि मत खेलना, बच्चे जो खाने के पैसे घर से मिले थे ना, वो बच्चे लाके गेम खेलने के लिए दे रहे थे यहाँ पर। ये देखिए बच्चे लोग बता रहे थे कि हम लोग ना रोज आके खेल रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चे बता रहे थे इनके पास डॉग है, तो मैंने बोला मेरे पास भी डॉग है, डेजी डॉबरमैन। तो मैं उनका वीडियो इन लोग को दिखा देती हूँ फोन से। तो मैं फोन बंद करके पहले इन लोग को वीडियो दिखाती हूँ डेजी का। जिसको बराबर आता है वही करना है। वाह, हो गए। एक ही था, एक ही टन था, एक ही था, खत्म। एक ही है, एक ही टन है। एक काम करो, तुम लोग ना खा लो, फालतू में इसमें पैसा मत डालो, कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो आज का लास्ट दिन है ना, थोड़े बहुत स्टॉल लगे। पिछले साल अपने यहाँ लगा था सामने भाजी वाले के पीछे, जरा रुकने दिखाओ तो कुछ नहीं। तो उसको क्या कोई शादी वाली है नॉर्मल जो अपने आगे। इसके लिए सब बाहर ट्रेनिंग लगा के रखा हुआ है, कोई किसी को दिक्कत नहीं, पहले आदमी पसंद कर ले फिर। कुछ भी झूले में कुछ मजा नहीं है, कुछ झूल के लग ही नहीं रहा था। डर रही तो है, डर तो रहे, जाएगा ना रहा था। इधर पलटी करने तो दो रिकॉर्डिंग। ये क्या है, खाने को तो देखने दो क्या है, मेरे को लगा वो है। ये पर से तो अच्छा दिख रहा था, मेरे को लगा कि हलवा पर आया। तो ये सेकंड डे का है यहाँ पर। तो मैं ये पागल बन ले के आई आज झूला झूलने के लिए। छोटे भीम में बैठना है उसको, छोटे भीम में बैठना है, छोटे भीम में। सुन रहे क्या, छोटे भीम में बैठना है इसको, उसमें चपन शासन में बैठना। किस में बैठना है बोलो, इसमें कोर्ट में बैठने का है।
बोल जल्दी। ड्रैगन में ड्रैगन बना वो उसमें बलून में नहीं ड्रैगन में आइसक्रीम भी अच्छा है। आइसक्रीम में पापा इंजॉय कर रहे हैं वो भी अच्छा है। ये बच्चे लोग का ये भी अच्छा है देख इसमें बैटरी तो बोल तो म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए बंद था तो थोड़ा शूट किया फिर मैंने म्यूट कर दिए है आवाज़ क्योंकि म्यूज़िक ऑन हो गया था। और ये सेकंड डे हम लोग बैठ रहे बोट में। फर्स्ट डे देखिए वो वाले राइड में बैठे थे अब सेकंड डे मेरी बेटी को इसमें बैठना था छोटे भीम में बैठना था उसको लेकिन छोटे भीम में बहुत भीड़ थी इसके लिए हम लोग फिर बोट में बैठे। तो बोट के लिए मेरे हस्बैंड टिकट निकाल रहे और बहुत कम थे क्योंकि उस दिन लास्ट दिन बोला था लेकिन बंद नहीं हुआ फिर एक हफ्ता और कंटिन्यू कराया गया मेले को। तो हम लोग जा रहे ऊपर बैठने के लिए और क्योंकि बहुत कम लोग थे हम लोग एकदम लास्ट में फिर भी बैठे क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड ने बोले कि बैठ के कुछ इतना अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग लास्ट में देखे एकदम लास्ट में बैठ रहे थे चढ़ के एकदम लास्ट वाली सीट पे हम लोग बैठे हैं। और थोड़ा सा ही शूट किया मैंने अगर ज़्यादा मैं शूट करती ना तो मेरा मोबाइल नीचे गिर जाता इसलिए और मेरे को बहुत डर भी लग रहा था जबकि मैं बीच में बैठी हूँ तो भी मेरे को इतना डर लग रहा था ये देखिए बहुत ज़्यादा क्योंकि खाली था झूला तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था ये देखिए थोड़ा ही शूट किया मैंने और मोबाइल बंद कर दिया था ज़्यादा शूट नहीं किया है अभी स्टार्ट नहीं हुआ था थोड़ा स्लो ही ऊपर जा रहा था तभी मैंने शूट किया और फिर मैंने मोबाइल रख दिया था बंद करके नहीं तो मोबाइल भी गिर जाता और मैं भी दोनों गिर जाते नीचे इतना तेज़ हो गया था झूला। तो आ गए हम लोग नीचे यहाँ पे स्टॉल लगे थे पहले दिन इतना शूट नहीं किया मैंने एक बैंगल्स का था स्टॉल और दूसरा था क्योंकि 10 रुपये सेल लिखा हुआ था इसलिए पब्लिक पूरी वहाँ पर जमा है देखिए आपको दिखाती हूँ 10 रुपये सेल लगा हुआ इसलिए पूरी पब्लिक वहाँ पर ही खड़ी थी बहुत ज़्यादा रश था इधर पे देखिए 10 रुपये के सेल में और 10 रुपये में क्या था 10 रुपये वाले कान के 10 रुपये के क्लिप और बाल के बो ये सब लगा हुआ था इधर। तो पब्लिक को ऐसा लगता है ना कि 10 रुपये सेल लगाए तो क्या क्या चीज़ें हैं तो सब लोग वहाँ पर जमा होके खड़े हो गए थे और उसके बाजू में ही लगा था बच्चे लोग के खिलौने लगे थे शायद और बैंगल्स का था एक। तो हम लोग ने कुछ तो लिया नहीं मेरी बेटी को खाना था मोमोज यहाँ पे देखो अभी भी वो छोटे भीम को ही देख रही थी उसको बैठने के लिए तो ज़्यादा देर तो हम लोग घूमे नहीं बस एक ही बोट में घूमे उसके बाद थोड़ा कुछ खा के घर पे चले गए थे। तो वीडियो को यहीं पे करती एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।